हे पीपल व्हाट्सअप, दिस इज़ प्रतीक। सो इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ बोल्ट ऑडियो। जैसा कि आप देख सकते हो, ये मैंने 899 का परचेज़ किया है अमेजन से सेल में, जो अभी सेल आई थी। ठीक है, तो मैं आपको शॉर्टकट नीचे बता रहा हूँ कि जस्ट ये 899 के अकॉर्डिंग ही ठीक है। ज़्यादा महंगा आपको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, 1000 रुपये के आसपास आप परचेज़ कर सकते हो। जो इसका ऑडियो क्वालिटी इतना यहाँ लिखा हुआ है, जो ये है अच्छा है, वो एक नॉर्मल सेट है। ठीक है, मैंने पहले भी इसको वॉच किया था या पहले भी इसको चेक किया था, तो नॉर्मल सा ही है। कुछ अच्छा आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, रिव्यू भी ठीक ठाक से हैं, बहुत अच्छे नहीं है इसका। तो मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या देखने मिलता है। ये अपना बॉक्स हो गया, बॉक्स को हटाते हैं तो हमें एक ये बॉक्स मिलता है। इसके अंदर वारंटी कार्ड मिलेगा और एक लीफलेट मिलेगा। ठीक, ये वारंटी के लिए हो गया, ये लीफलेट हो गया। इसमें जो भी प्रोडक्ट आते हैं, जितने भी प्रोडक्ट आते हैं बोल्ट कंपनी के, वो इसमें मेंशन किया गया। ठीक है, तो इसको हम साइड में रखते हैं। अब यहाँ जो मेन हाईलाइट है वो है इसका वारंटी। अब जो ये वारंटी है, तो मुझे लगता नहीं है कि वारंटी वगैरह कुछ खास मिलने वाली है, कि कैसे रिटर्न करेंगे, क्या रिटर्न पॉलिसी है इनकी। वैसे तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि कंप्लेन एंड ये फ़ोन नंबर देखा है एंड ये बारकोड दे रखा है। तो बारकोड स्कैन करने पर हमें क्या मिलता है वो हम देख लेते हैं अभी एक सेकेंड के अंदर यहाँ पर, कि हम जैसे ही कोई बारकोड स्कैन करते हैं उसके बाद ये एक वेबसाइट पर हमें रीडायरेक्ट कर देगा। एंड वेबसाइट पर जाने के बाद यहाँ आप देख सकते हो, दिस अकाउंट हैज़ बिन सस्पेंडेड, मतलब कि कंपनी का अकाउंट ही सस्पेंड है, लाइक होस्टिंग नहीं है। तो आई मीन टू से कि आप वारंटी को हटा के ही चलो, कि जब तक चल रहा है वारंटी मिलेगा नहीं मिलेगा उसका कोई गारंटी नहीं होता है इसका। ठीक है, कोई ऐसा भी ब्रांडेड कंपनी नहीं है कि आप कभी भी सर्विस सेंटर में गए एंड वहाँ चेंज करवा लिया। ठीक है, तो नॉर्मल सा है, तो आप इस चीज़ को पहले ही माइंड में मेकअप करके चलो कि जब तक चल रहा है तो चल रहा है। अब ऐसा कुछ ये सेट करके आता है हमारे पास, हमें एक चीज़ उसमें और मिल जाता है, वो है एक अलग से ईयरबड। ठीक है, एंड ये कनेक्टर जिसके थ्रू हम अपना इसको चार्ज कर सकते हैं। बैटरी लाइफ क्लेम करती है 12 घंटे कंपनी, बट मुझे लगता है 5 से 6 घंटे चलने वाली है। उसके बाद चार्जिंग टाइम 2 आवर्स। ठीक है, तो 5 से 6 घंटे चलने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं चलने वाला है। मैं आपको इसमें कॉल रिजेक्ट एंड कॉल रिसीव करके दोनों दिखाता हूँ कि ये प्रॉपरली काम करता है या नहीं करता है। ओके, तो अब अगर बैंड की बात कर ले तो यहाँ सबसे बड़ा हाईलाइट है इसका ये मैग्नेट। इसमें आप जब मान लो ड्राइव कर रहे हो या फिर अपने ये नेक में हैंग कर रखा है, तो ये एक अच्छी चीज़ है ताकि इधर उधर ना हो हमारी ये दोनों ईयरबड। उसके बाद हमें यहाँ क्या क्या मिलता है, तो यहाँ आप देख सकते हो एक वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन एंड पावर की का यहाँ ऑप्शन मिल जाता है। इस सेक्शन में हमें यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है जहाँ से आप अपने यहाँ से आप इसको चार्ज कर सकते हो, जिसमें अप्रॉक्स 2 आवर्स का टाइम लगेगा इसको चार्ज करने में। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, इसको कैसे कनेक्ट करना है अपने फ़ोन या टीवी या फिर लैपटॉप से, तो मैं फ़ोन से आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ यहाँ पर। तो इसको कैसे कनेक्ट करना है सिंपली मैं आपको दिखा दूं। चलेंगे हम अपने ब्लूटूथ डिवाइस में, ब्लूटूथ डिवाइस में आके उसको ऑन करेंगे एंड यहाँ से अपने बैंड को भी ऑन कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो कि आपको आपका बैंड का नोटिफिकेशन आपके ब्लूटूथ के नीचे दिख जाएगा। सो यहाँ आप देख सकते हो कि बोल्ट का आ गया एंड इस पर हम क्लिक करेंगे। एंड यहाँ भी आप देख सकते हो कि यहाँ LED इंडिकेटर आपको नोटिफिकेशन दे रहा है कनेक्शन के लिए। अब यहाँ आप देख सकते हो यहाँ आपको एक इंडिकेटर मिल जाता है जो कनेक्शन के टाइम में आपको ब्लू कलर का LED देगा। ओके, तो ये प्रॉपरली कनेक्ट हो चुका है इससे। अब क्या करना है कि जब भी फ़ोन आता है तो उसको रिजेक्ट कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो कॉल रिसीव करने के लिए सिंपली हमें क्या करना होगा, अपने पावर बटन को प्रेस करना पड़ेगा एंड यहाँ कॉल पिक हो गया। और कुछ भी नहीं करना है, सिंपल एक पावर बटन एंड कॉल पिक हो गया। नाउ अब कॉल रिजेक्ट कैसे करना है मैं आपको वो बताता हूँ। तो यहाँ देख सकते हो कि कॉल रिजेक्ट करने के लिए सिंपली 2 बार पावर बटन क्लिक करो एंड कॉल रिजेक्ट हो गया। अब एक बार क्लिक करने पे यहाँ कॉल रिसीव हो गया। मान लो आप कॉल डिस्कनेक्ट करना चाहते हो, उसके बाद सिर्फ सिंपल एक बार पावर बटन दबाना है एंड कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये फीचर काफ़ी अच्छा है, इससे ईजिली आप कॉल कनेक्ट कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो, रिजेक्ट भी कर सकते हो। तो बहुत ईजी है इससे रिजेक्ट करना, लाइक 2 बार बटन पावर बटन दबाओगे तो रिजेक्ट और 1 बार में पावर बटन दबाओगे तो कॉल रिसीव हो जाएगा। एंड ड्यूरिंग कॉल आपको अगर कॉल एंड करना है तो सिंपली एक बार पावर बटन दबा दो। ओके, तो इन सिंपल वर्ड्स 900 रुपये में एक ठीक ठाक सा बैंड है, कोई इशू नहीं है, नॉर्मल यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा है। बट अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके बैंड खरीद रहे हो कि अच्छा मिलेगा, ये मिलेगा, जैसा कि यहाँ पर मैंशन किया हुआ है बॉक्स के ऊपर या फिर लीफलेट के ऊपर, तो उस हिसाब से मत सोचो। आप नॉर्मल सा आपको बैंड मिलेगा। हाँ, जैसे कि मैंने लिया है, मुझे नॉर्मली एक वीडियो एडिटिंग वगैरह करना होता है तो उसके लिए एंड नॉर्मली बाइक के लिए, तो उतना के लिए ठीक है। ओके, तो अगर आपको परचेज़ करना है तो आप परचेज़ करो। एंड मेरा सजेशन है कि 900-1000 रुपये से ज़्यादा का परचेज़ नहीं करो। वैसे ये 1300-1400 रुपये का ऑनलाइन दिखता है, बट आप इसको विशलिस्ट में ऐड रखो, इजिली आपको 1000 रुपये में कभी ना कभी ये मिल जाएगा। ओके, सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।